हरिद्वार से है, जहां ट्रेवल्स व्यवसायियों द्वारा संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के बैनर तले नगर में प्रदर्शन मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आपदा के बाद सरकार लगातार चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं पर मॉनिटरिंग कर रही है। दर्शनार्थी यात्री भी चार धाम यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक कोविड के बाद सरकार द्वारा भी इस वर्ष 10 मई चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ यात्रियों और ट्रेवल व्यवसायियों का पंजीकरण नहीं होने के कारण वो अपनी यात्रा जारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते लगातार ट्रेवल से जुड़े लोग अपनी मांग उठाने आ रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को ट्रेवल्स व्यवसायियों ने पंजीकरण कार्यालय पर बैंड बाजा और बारात निकालकर सरकार को चेताने का काम किया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा पूर्व की भांति चली आ रही है, सरकार इसमें बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। पूर्व में भी सरकार ने बहुत अच्छी यात्रा चलाई है, इस बार भी सरकार के प्रयास दिख रहे हैं कि लगातार सरकार जो है प्रयासरत है यात्रा कराने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक क्या हुआ है कि जो पंजीकरण होता है उसमें संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो हम सरकार से अनुरोध करने आए हैं, एक मांग करने आए हैं कि जो निर्धारित संख्या है उसको बंद करके पंजीकरण सभी व्यक्तियों के हों, जो भी व्यक्ति यात्रा के लिए आए उसका पंजीकरण यहाँ हाथ के हाथ हो और वो सुचारू रूप से अपनी यात्रा कर सके। इसका लाभ समस्त श्रद्धालुओं को मिलेगा जो दर्शन करना चाहते हैं, राजस्व की आय बढ़ेगी। साथ ही 6 माह से जो ट्रैवल व्यवसायी जो है व्यवसाय नहीं चलता, जिनका ऑफ सीजन के कारण ये सीजन की आस रहती है, पर्यटन यहाँ की रीढ़ है, तो उससे जो है एक लाभ यात्रियों को साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों को भी। हम चार धाम यात्रा के लिए आए हैं, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इस वास्ते हम इधर आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने आए। अभी इधर आके पता चला रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को होने वाला है बोले।